क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो क्रेटोस ही उसका बेटा और गॉड ऑफ वॉर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस तक को हरा कर उन्हें मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे, और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे। क्रेटोस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान पर अटैक करेगा, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे, जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर था, और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से किसी भी अस्त्र या शस्त्र का भी उन पर कोई भी असर नहीं होता था। इसलिए हनुमान क्रेटोस के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं, और क्रेटोस के किसी भी अटैक का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हनुमान अपनी गदा के एक ही वार से क्रेटोस को इजिली किल कर सकते, पर ये फाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास री इंकारनेशन की भी पावर है, जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है। और क्योंकि क्रेटोस भी एक गॉड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इसलिए क्रेटोस भी हनुमान जी के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। ये फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, डिस्ट्रक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी, जो की बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इमोर्टल है, और कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकते हैं। इसलिए ये फाइट लगातार हजारों सालों तक चलती रहेगी, जब तक इन दोनों में से कोई एक थक कर हार नहीं मान लेता, या जहाँ पर ये लड़ रहे हैं वो प्लेनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। इसलिए बात करें एंड रिजल्ट की, तो ये फाइट ऐसे ही लगातार हजारों सालों तक चलती रहेगी, जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता। और क्योंकि ये दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसलिए फाइट बहुत ही लंबी चलेगी, और रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि पहले थकता कौन है, या हनुमान जी क्रेटोस को मार दें और क्रेटोस ऐसे वापस ना पाए। बाकी आपके साथ इस फाइट में पहले कौन थकेगा, इस फाइट का अल्टीमेट विनर कौन हो सकता है, और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।